छोटे से एक शहर में दो दोस्त रवि और मुकुल रहा करते थे। हाल ही में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, परंतु काफी मशक्कत करने के बाद भी दोनों को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और दोनों बेरोजगार थे। आखिरकार अपनी समस्या का हल करने के लिए दोनों अपने परिचित गुरुजी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी सारी परेशानी उनको बताई और कहा, गुरुजी क्या आप हमें कुछ रुपए दे सकते हैं जिससे कि हम अपना कुछ काम धंधा शुरू कर सकें? गुरुजी ने थोड़ा सोच विचार करने के बाद दोनों दोस्तों को दो हजार रुपए दे दिए। साथ ही यह भी कहा, एक साल के अंदर इन रुपयों को तुम्हें मुझे लौटाना होगा। दोनों ने गुरुजी की बात मान ली और उन्हें धन्यवाद दिया, फिर रुपए लेकर वहाँ से चले गए। रास्ते में रवि ने कहा, यार मुकुल, मुझे लगता है कि हमें इन रुपयों से जल्द कुछ न कुछ काम धंधा शुरू करना चाहिए। मुकुल तपाक से बोला, अरे भाई जल्दी क्या है, इन रुपयों से पहले हम कुछ अच्छे स्थानों पर घूमेंगे और मौज करेंगे, फिर आगे की देखेंगे। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए। इसी तरह समय बीतता गया। फिर एक साल बाद दोनों वापस अपने गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी ने पहले मुकुल से पूछा, मुकुल तुमने रुपयों का क्या किया, लौटाने के लिए रुपए लाए हो ना? मुकुल ने मुंह लटका कर जवाब दिया, गुरुजी वह रुपए तो किसी ने मुझे धोखा देकर ठग लिए। फिर उन्होंने रवि से पूछा, तुम भी खाली हाथ आए हो क्या? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं नहीं गुरुजी, यह लीजिए आपके 2000 रुपए और यह अतिरिक्त 2000 रुपए। अरे तुम इतने रुपए कहाँ से कमा लाए, क्या तुमने किसी को धोखा दिया है? जी नहीं, मैंने तो अपनी मेहनत और सूझबूझ से यह रुपए कमाए हैं। मैंने एक गरीब परेशान किसान को देखकर उसके सारे फल खरीद लिए, फिर उन फलों को ले जाकर शहर में बेच दिया। इस तरह वह मुझे रोज अपने खेतों से लाकर फल देता और मैं उन्हें शहर में ले जाकर बेच देता। गुरुजी कुछ दिनों बाद मैंने शहर में दुकान लेकर फलों का कारोबार शुरू कर दिया। इतना कहकर उसने गुरुजी को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और अतिरिक्त रुपए किसी जरूरतमंद को देने के लिए रखने का आग्रह किया। गुरुजी रवि से बहुत खुश हुए। उन्होंने मुकुल से कहा, मुकुल अगर तुम भी समझदारी से रवि की तरह मेहनत से काम करते तो तुम भी सफल हो सकते थे। रवि ने मुकुल से कहा, भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समय का सम्मान करो और मेहनत का महत्व समझो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।